अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूं, इस वक्त हम जा रहे हैं, शाम का टाइम है, हम वॉक के लिए गए थे नीचे गार्डन में। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी, ये सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। अब ये देखें, बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर शाम को बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग वॉक करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी और देखिए यहाँ का माहौल कितना नीट एंड क्लीन है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी शॉप पर, तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम आ गए हैं ग्रॉसरी शॉप पर। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी। तो देखें, ड्राई फ्रूट, हर तरह के निम्को। तो यहाँ पर हमने सेमोलिना केक लिया था और यहाँ पे कॉटन कैंडी पतीसा लिया था वाइट वाला, और हमने यहाँ पे लिए थे बारबेक्यू पीनट्स और ग्रीन चने थे कोट किए हुए, कोटिंग के साथ थे। आई थिंक ये भी बारबेक्यू फ्लेवर था। और साथ ही हमने काजू लिए थे थोड़े से। और ये जो सेमोलिना केक था, ये भी मैंने टेस्ट किया था, ये भी अच्छा था। और उसके बाद हमने डिनर में मंगवाया था पिज़्ज़ा। और यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है, तो भाभी ने फ्राइड चिकन और पेस्टो पास्ता बनाया था। और साथ ही कोकोनट वाटर मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी शॉप से, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बिल्कुल फ्रेश था और ठंडा था। अब यहाँ पर हो गया है लंच का टाइम, नेक्स्ट डे है, तो मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़े। तो यहाँ पर मैं कढ़ी पकोड़े बना रही थी और साथ ही बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें अपने किचन की आदत होती है, अपनी चीज़ों की आदत होती है। और ये मैं पूछ पूछ के अम्मी से बना रही थी, क्योंकि ये मैं सेकेंड दफ़ा बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पर तड़का भी रेडी हो गया है, कढ़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो देखिए, मज़ेदार सी कढ़ी रेडी हो गई थी और सबने बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई। तो ये देखें, ये है कढ़ी पकोड़ा। तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब यहाँ पर रात के 12 बज गए हैं, तो मेरा बर्थडे था, तो भाई और भाभी ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। तो कॉफ़ी केक था, जो कि मेरा फेवरेट है, और ये बहुत ही डिफरेंट और मज़े का केक था। तो ये हमने कट किया था, साथ में मुझे कार्ड मिला था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बनाया था नाश्ता। नाश्ते में मैंने पराठा बनाया था, पराठे बनाए थे, और जो कढ़ी बनाई थी वो हम खाएंगे पराठों के साथ। और साथ ही मैंने थोड़े से पकोड़े भी फ्राई किए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हमने नाश्ता किया था। तो यहाँ पर मैं मज़ेदार से पराठे रेडी कर रही हूँ। और ये गरम गरम पकोड़े मैंने बनाए थे, लेफ्ट ओवर जो मिक्सचर था वो बच गया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये था हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा नाश्ता, कढ़ी पकोड़े और पराठा। और साथ ही मैंने थोड़ी सी कच्ची कढ़ी भी निकाली थी, जो बिना तड़के की होती है, इसमें पकोड़े डाल के खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये भी मैंने निकाली थी। तो अब मैं आपके साथ अपना गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था, लॉन्ग चैम्प ब्रांड का है, ये प्योर लेदर का है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है और ये ख़राब नहीं होता, ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाता है। तो ब्लैक और ब्राउन कलर का इसका कॉम्बिनेशन था, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। तो ये था मेरा गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।